हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर सेकंड के बारे में। यानी आज हम जानने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को आज का जो यहाँ पे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो लेथ मशीन क्या होता है, और लेथ मशीन के जो मेन पार्ट होते हैं वो उसका वर्किंग क्या होता है और उसको हम किस किस नाम से जानते हैं, ये सारे टॉपिक आज इसकी वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं, वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारा टॉपिक होने वाला है, खराद के विभिन्न मुख्य भाग और उनके कार्य, यानी जो लेथ मशीन होता है उसके मेन पार्ट क्या होते हैं और उनका वर्किंग क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो लेथ मशीन होता है वो लेथ मशीन का हमारा वर्किंग क्या होता है, किसी कारखंड पर किसी भी प्रकार का डिजाइनिंग करना या फिर उसको अलग करना या फिर उसमें नोके बनाने या फिर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं लेथ मशीन में ETC। आपको आगे जब सारे ऑपरेशन के बारे में बताएंगे तो आपके इसके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या जानना है, उसके कौन से पार्ट होते हैं और उसका वर्किंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, लेथ मशीन के निम्नलिखित पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, यानी जो मेन पार्ट होता है वो हमारा आता है बेड, जिसे हम बोलते हैं आधार क्या होता है, यानी आधार क्या होता है, आधार का वर्किंग क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनिशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनिशन हमारा क्या कहता है कि आधार खराद का बेस या नींव होता है, यानी जो लेथ मशीन होती है वो हमारा जो बेड होता है वो लेथ मशीन का मेन पार्ट होता है, जिसे बोला जा सकता है नींव, यानी जड़ जिसे बोला जा सकता है। आगे बात किया जाए, यह विक्षेपण और कंपन का विरोध करने के लिए एक टुकड़े में बनाई गई भारी और कठोर ढलाई है। मींस बात किया जाए कि ये जो इसकी डिजाइनिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और साथ में बात किया जाए काफ़ी कठोर होता है, और इसका जो काम होता है जो उस पर लेथ जो उसके जो मेन पार्ट जुड़े होते हैं लेथ मशीन पे, वो क्या होते हैं कि कंपन करते हैं। कारखंड पर जब ऑपरेशन किया जाता है तो कंपन करते हैं, यानी धीरे धीरे क्या होता है कंपन करने लगता है। तो कंपन करता है तो उनको विरोध करने के लिए, यानी उनको सहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सहने के लिए कौन सहता है, वो हमारा आधार यानी वेड सहता है। आगे बात किया जाए, तथा अन्य सभी भाग शीर्ष स्टॉक, टिल स्टॉक और कैरिज इत्यादि को सपोर्ट करता है, यानी जो मेन पार्ट होते हैं जैसे कि ETC हेड स्टॉक हो गया, टिल स्टॉक हो गया, कैरिज हो गया, जो भी उसमें गियर वगैरह हो गए, ये सारे को सहने के लिए, यानी कहने का मतलब है सपोर्ट देने के लिए ये वेड यानी आधार का यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को जैसा कि आप दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या है यानी वेड कहलाता है, और इसके नीचे हम क्या करते हैं, यानी क्या जो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, ये तो हमारा वेड है, और इसके नीचे हम क्या करते हैं एक लैग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लैग, जिससे हमारा कोई भी इसके अंदर भी कोई किसी प्रकार की साफ सफाई करनी होती है तो हम आसानी से कर सकते हैं, जिसे बोला जा सकता है सहारन यानी कॉलम जिसे बोला जा सकता है। चलिए आगे बात किया जाए, तो आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है, हेड स्टॉक, यानी हेड स्टॉक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनिशन के माध्यम से देखेंगे, तो जो लेथ मशीन का हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा हेड स्टॉक। इसको डिफिनिशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनिशन हमारा क्या कहता है कि शीर्ष स्टॉक असेंबली को खराद बाएं हाथ सिरे पर अस्थायी रूप से बांधी जाती है, या तर्क और व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए की जाती है, यानी जो हेड स्टॉक होता है वो हेड स्टॉक हमारा कहां लगाया जाता है, जो हमारा
शीर्ष होता है उसके बाईं ओर लगाई जाती है। किधर लगाई गई जाती है? उसके बाईं ओर लगाई जाती है। किसके? तो जो हमारा विड होता है यानी जो लेथ मशीन होती है वो बाईं साइड में जो टेल स्टॉक हेड स्टॉक होता है। अब बात किया जाए इसका वर्किंग क्या होता है, तो वर्क पीस यानी जो कारखंड होता है उसको पकड़ने के लिए हम हेड स्टॉक का प्रयोग करते हैं, यानी हेड स्टॉक का यूजिंग करता है और हेड स्टॉक का यही वर्किंग होता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हेड स्टॉक को भी आपको दिखाया गया है। आप जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका हेड स्टॉक है और हेड स्टॉक में आपका कुछ इस चक के माध्यम से दिखाया गया, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कारखंड को पकड़ते हैं, यानी जिसे बोला जा सकता है सहारा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट आता है हमारा टेल स्टॉक, यानी जो तीसरा पार्ट आता है हमारा टेल स्टॉक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनिशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनिशन हमारा क्या होता है कि यह ढलवा लोहा या हल्के इस्पात से बने होते हैं, खराद का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आधार के दाहिने छोर पर, खराद आधार के आंतरिक पथ पर स्थित होता है। मीन्स बात किया जाए कि जो हमारा टेल स्टॉक होता है वो क्या होता है, इसका सबसे पहले हम लेथ मशीन के एक इस साइड में लगाए जाते हैं, दाहिने छोर पर लगाए जाते हैं, और वहीं पर जो हमारा हेड स्टॉक होता है वो हमारा किस साइड में लगा जाता है, बाईं ओर, यानी ठीक इसके सामने हमारा क्या होता है, टेल स्टॉक यूज किया जाता है। अब बात की जाए इसका वर्किंग क्या होता है, तो वर्किंग जैसा कि आप लोग को पता होगा, किसी भी कारखंड को अगर किसी की सहायता से पकड़ा जा रहा है, यानी हेड स्टॉक को पकड़ा जा रहा है, तो टेल स्टॉक का सिंपल भाषा में उसका कुछ पार्ट होगा यानी सहेगा, यानी कहने का मतलब है उसको दिशा निर्देश करेगा। और साथ में बात किया जाए इसका क्या करता है, यानी सबसे बड़ा काम करता है कि जो रोटेटरी अनुधुरी होता है, यानी जिस तरह से मैं कारखंड घुमाया जाता है उनको क्या करता है, स्थिर रखा जाता है, यानी स्थिर रखी गई है, यानी पूर्ण रूप से वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, यानी बीच में वो पकड़ा है टेल हेड स्टॉक या फिर नहीं पकड़ा गया है, ये हमारा टेल स्टॉक के अंतर्गत पता करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कैरीज क्या होता है, यानी कैरीज क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग को टेल स्टॉक को भी मैंने दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा टेल स्टॉक को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है गाइस, आपका टेल स्टॉक दिखाया गया है। यहाँ पे हैंडल होता है जिसके सहायता से हम टेल स्टॉक को, जो रॉड होता है हमारे, रॉड को आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, वो हमारे कारखंड के बेसिस पे कार्य करता है। यानी जब हम वर्कपीस को यहाँ पे फंसा लेते हैं, तो फंसाने के बाद एक ही सिरा को फंसाया गया है, तो दूसरा सिरा हमारा क्या करता है, टेल स्टॉक के अंतर उसे सहारा जा सकता है, यानी उसकी स्थिति को पता करता है टेल स्टॉक, जिसे बोला जा सकता है। अब हमारा हैंडल की सहायता से जो हमारा रॉड होता है इसको आगे पीछे हम बढ़ा सकते हैं, वो कारखंड हमारा डिपेंड करता है, कारखंड छोटा है तो ज़्यादा रॉड बड़ा होगा और बड़ा है तो रॉड हमारा छोटा हो जाएगा। किसके सहायता से करते हैं, तो ये हमारा हैंडल होता है, हैंडल की सहायता से हम इसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैरीज क्या होता है, यानी कैरीज क्या होता है, कैरीज को हम देखेंगे डिफिनिशन के माध्यम से। तो डिफिनिशन हमारा क्या कहता है, इसे शीर्ष स्टॉक या टेल स्टॉक के बीच में रखा जाता है, यानी जो कैरीज होता है हमारा क्या होता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीचों बीच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीचों बीच में पाया जाता है। आगे बात किया जाए इसका कार्य क्या होता है, यह कर्तन औजार को नियंत्रित और सपोर्ट करता है, क्या करता है, जो हमारा वर्किंग पीस होता है उसको सपोर्ट करता है। आगे बात की जाए, यह आधार के पथ पर चल सकता है और इसका उद्देश्य कर्तन औजार को पकड़ना और उसके अनुदैर्ध्य क्रॉस फीड प्रदान करना, इसके पांच भाग होते हैं। मीन्स बात किया जाए जो कैरीज होता है हमारा क्या होता है, वह कारखंड को सबसे पहले सपोर्ट करता है, दूसरा बात किया जाए जो हमारा टूल पोस्ट होता है जिनकी सहायता से हम ऑपरेशन करते हैं वो क्या करता है, उसको फीड प्रदान करता है, क्या करता है, जो हमारा वर्किंग करना है जिसके बेसिस पे, यानी कितने स्पीड में हम कार्य करना है कारखंड पर, ये हमारा कैरीज क्या करता है, उसको फीड प्रदान करता है। ये निम्नलिखित पार्ट होते हैं कैरीज के अंतर्गत, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, पहला हमारा आता है सैडल, यानी जिसे बोला जा सकता है काठी होता है। नेक्स्ट बात किया जाए क्रॉस स्लाइड होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, टूल पोस्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड रेस्ट आता है और टूल पोस्ट आता है और
अंचल यानी अपफ्रन आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो आपको फिगर के माध्यम से भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से क्लियर देख पा रहे हैं, आपको तीर का निशान किधर दिखाया गया है, ये हमारा कैरीज होता है। यानी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतना पार्ट हमारा क्या होता है, कैरीज होता है। अब कैरीज को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, वो कारखंड पर जिस तरह से हमें ऑपरेशन करना होता है। बाय द वे क्या होता है, अगर हमें हेडस्टॉक के बाजू में करना है यानी बगल ही करना है, तो हम कैरीज को क्या करते हैं, आगे की ओर ले लेते हैं। और वही बात किया जाए हमारा टेल स्टॉक के भी कॉर्नर पे करना है, तो हम क्या करते हैं, कैरिज की सहायता से हम क्या करते हैं, टूल पोस्ट को भी पीछे की ओर कर लेते हैं। अब बात की जाए कैरिज में हमारा कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आपको दिखाया गया है कंपाउंड रेस्ट। यानी कंपाउंड रेस्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, टूल पोस्ट को, जो हमारा टूल पोस्ट होता है गाइस, वो क्या करता है, आगे पीछे उसको जिसके बेसिस पे ऑपरेशन करना है, इसके सहायता से हम कंपाउंड रेस्ट की सहायता से आगे पीछे करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड हमारा क्या करता करता है, जो हमारा टूल पोस्ट होता है, इसके सहायता से हम क्या करते हैं, आगे पीछे मूव होता है। अब जैसा कि आप लोग को कंपाउंड रेस्ट हमारा क्या करता है कि टूल पोस्ट को आगे पीछे बढ़ाना है, तो वो किस पर बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा, तो क्रॉस स्लाइड के ऊपर बढ़ेगा। तो चलिए आगे बात किया जाए, वहीं पे आता हमारा हेड स्टॉक, हेड व्हील दिखाया गया है। हेड व्हील की सहायता से हम कैरिज को आगे पीछे करते हैं, तो आपको ईटीसी दिखाया गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा वहीं पे आता है, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आता है हमारा फीड मैकेनिज्म। यानी फीड मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, तो इसको डिफिनिशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनिशन हमारा क्या कहता है कि कार्य के सापेक्ष औजार की गति को फीड कहा जाता है, या खराद औजार के तीन प्रकार के फीड हो सकते हैं। यानी सबसे मेन वर्किंग लेथ मशीन में हमारा क्या होता है, फीड मैकेनिज्म होता है। यानी वर्कपीस पर कितने स्पीड पे हमें कार्य करना, यानी कितने फीड पर काम करना है, कितने टाइम तक काम करना है, ये सारा क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, फीड मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। यानी औजार की गति यानी टूल की जो गति होती है, वो कितनी स्पीड में चलाना है, यानी कितना स्पीड देना है, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, फीड मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। अब फीड मैकेनिज्म भी हमारा तीन टाइप्स के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है यानी फीड मैकेनिज्म, जिसे बोला जा सकता है अनुदैर्ध्य प्रावरण। नेक्स्ट बात के जाए फीड क्रॉस, जिसे बोला जा सकता है, और कोणीय यानी एंगुलर फीड। तो अनुदैर्ध्य में जैसा कि आप लोग को, जैसे कि क्या होता है, किसी भी कारखंड पर समांतर यानी कहने मतलब है आपको यहाँ पे वर्किंग खड़े टाइप में करना है, जिसे बोला जा सकता है लंबवत करना है। क्या करना है, लंबवत। और अनुप्रस्थ मार्ग क्या होता है, किसी भी प्रकार का जैसे कि समांतर टाइप में करना है। नेक्स्ट बात के जाए कोणीय यानी किसी एंगल पर वर्किंग करना है, तो ये हमारा फीड मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। ये हमारा कहाँ होता है, तो आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा हेड स्टॉक होता हेड स्टॉक के जस्ट अपोजिट यानी पीछे वाले सिरों पर हमारा फीड मैकेनिज्म होता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को लेथ मशीन के जो पार्ट होते हैं और साथ में बात किया जाए इसका जो वर्किंग होता है, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और साथ में बात किया जाए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना PDF ले सकते हैं। आपको जो PDF का पेमेंट है मिनिमम प्राइस में यानी ओनली 39 रुपीज़ में रखा गया है, यानी एक सब्जेक्ट का 39 रुपीज़ में अपने PDF ले सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।